हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की इडली, इसे रवा इडली भी कहते हैं। तो आप भी इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही माप के साथ बनाना बताऊंगी। आपको कितना पानी लेना है, कितना रवा लेना है, किसमें इसमें क्या कितना डालना है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट इडली बनाकर रेडी कर सकें। तो आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी रवा लिया है, रवा या सूजी। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी दही लिया है। इसके बाद हमें स्वाद अनुसार नमक ले लेना है, यह सादा नमक है। इसके बाद यहाँ पर हमने यूनो लिया है। इस तरह से हमें ज़्यादा इसमें चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही कम चीज़ों में ये बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सूजी डाल दिया है, तो सूजी हम दो कटोरी लेंगे। इस तरह से हमने दो कटोरी सूजी लिया है। सेम कटोरी से हम एक कटोरी दही लेंगे, तो दो कटोरी सूजी के लिए हमें एक कटोरी दही चाहिए होगा इस तरह से। तो आप इसमें थोड़ा सा खट्टा दही का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। तो बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ आप ऐसे बना सकते हैं। कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसी से आप कटोरी कप कुछ भी ले सकते हैं। तो जितना आप सूजी लेंगे उसका हाफ आपको दही लेना है। तो यहाँ पर हमने पानी ले लिया है, ये नॉर्मल पानी है, तो इसी से हम इसे गूँथ लेंगे, इसका बैटर रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो पानी भी आपको जितना आप सूजी ले रहे हैं, सूजी या रवा ले रहे हैं, उतना ही आपको पानी चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पर दो कटोरी सूजी लिया है, तो दो ही कटोरी हमने पानी लिया है। तो हम इस क्वांटिटी से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर रेडी होगा इस तरह से। ये देखिए, इसमें गिलास में थोड़ा सा पानी बचा है, इसे भी हम डाल देंगे। तो गिलास में हमने दो कटोरी पानी डाला हुआ था, तो ये दो कटोरी सूजी के लिए दो कटोरी पानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे ढककर रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। आपके पास टाइम है तो आप इसे आधा घंटा के लिए भी ऐसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इडली का स्टैंड ले लिया है, इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे हल्का से, इसे हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। तो हमें इडली के स्टैंड को इस तरह से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया है, तो इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब हम जिसमें इडली बनाएंगे, एक बर्तन ले रहे हैं इसमें, तो इस तरह से हमें इसमें पानी डाल देना है। तो पानी हमने यहाँ पर 2 गिलास लिया हुआ है। इस तरह से हमने 2 गिलास पानी ले लिया है। तो अब इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसे ढक देंगे, इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। तो इस तरह से हमें इसे ढक देना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। तो यहाँ पर इसे हमने 15 से 20 मिनट तक इसे छोड़ दिया था, ये अच्छे से फूल गई है। ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसमें इनो डाल देंगे। तो इस तरह से एक इनो का पैकेट है, इसे हम खोल लेंगे। तो पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच पानी डालकर हम इसे ऐसे क्लॉकवाइज इसे फेंट लेंगे। तो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें इसे ऐसे घुमा लेना है ताकि इनो अच्छे से मिक्स हो जाए सूजी के साथ। तो यहाँ पर हमने इसे चम्मच को बदल दिया है, ये हम थोड़ा बड़ा चम्मच ले लिए हैं। अब इसे मिक्स करके इडली के स्टैंड में इस तरह से भर देंगे।
बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि ये फूल जाता है, तो इसे हम इस तरह से भरेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने दूसरा वाला लिया है, इसमें भी हम इसे भर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे भरकर रेडी कर लिया है। ये देखिए, तो हमें इसे ऐसे सेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है, तो अब हम इसमें इडली के स्टैंड को ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से डालकर इसे ढक देना है। मीडियम फ्लेम पर इसे 15 मिनट तक ऐसे पकने देना है। 15 मिनट बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं, तो आप एक नाइफ़ ले सकते हैं, नाइफ़ की मदद से। ये देखिए, इस तरह से ऐसे चेक करेंगे, अगर नाइफ़ ऐसे क्लीन आ रही है तो हमारी इडली बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हमने इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट इडली बनी है। तो हम इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसे ठंडा करके ही इसे निकालें, हल्का सा ठंडा हो जाता है तो बहुत ही आसानी से ये निकल आता है। तो हम इसे नाइफ़ की मदद से साइड को ऐसे साइड से ऐसे निकाल देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाती है। ये देखिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो हमने आपको बहुत ही परफेक्ट तरीका बताया है सही माप के साथ, ताकि आपको इडली बनाने में कोई परेशानी ना हो, आप भी बिल्कुल सही बिल्कुल परफेक्ट इडली बनाकर रेडी कर सकें। ये देखिए, हमने सारे इडली को निकाल लिया है, तो जो बचा हुआ बैटर है तो हम उसे फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें फिर से ऑयल से इसे ग्रीस कर लेना है। इस तरह से हमने स्टैंड को फिर से ग्रीस कर लिया है, इसे धुलना नहीं है, ऐसे ही ग्रीस करके हम इसे बना लेंगे। तो यहाँ पर इतना बैटर बच गया था, ये देखिए, तो इसमें हम फिर से भर देंगे। इसी तरह से स्टैंड में फिर से भर लेना है इसे। तो यहाँ पर हमने फिर से इसे भर लिया है। तो इसी तरह से आप इडली बनाकर रेडी कर सकते हैं, जितना चाहें कम ज़्यादा उतना आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा से इसे पकने के लिए रख दिया है, 15 मिनट बाद ये फिर से पक कर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, फिर से हमने इसे पका लिया है, बहुत ही परफेक्ट इडली बनती है ये, बहुत ही पसंद आती है, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही मज़े से खाएंगे। ये देखिए, तो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, इडली बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट बन लगती है ये खाने में, और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है। इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप इसे जिस बर्तन से बना रहे हैं उसी से आप इसे परफेक्ट माप के साथ बनाइए, जैसा कि हमने बताया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी इडली बनकर रेडी होगी। तो आप इसे चटनी के साथ इंजॉय करें। ये देखिए, एक इडली मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जालीदार बना हुआ है ये। तो इसी तरह से आप भी बनाकर रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए कितनी टेस्टी इडली बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।